हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक जेड की टोपियारी, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये जो कटिंग्स मैंने लगाई हैं इनका। ये मैंने बहुत पहले ही लगाया था, तो अभी बढ़िया से ग्रो हो चुके हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके एक बहुत ही सिंपल सा एक जेड का मैं टोपियारी बनाऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि टोपियारी क्या होती है, तो मैं बता दूं कि टोपियारी एक आर्ट है जिससे कि हम कोई भी ट्री हो, कोई भी प्लांट हो, उसको एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, तो उसी को टोपियारी बोलते हैं। और टोपियारी के लिए कौन से प्लांट्स यूज़ किया जाता है, तो उसमें जेड का नाम आता है, बहुत ही बढ़िया प्लांट है। इसके अलावा दूसरे प्लांट्स होते हैं जिनकी हम टोपियारीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी, आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी ढेर सारी कटिंग लगाइए, उसके बाद जब कटिंग्स चल जाए तो उनका अलग अलग टोपियरीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लांट को ले लिया है, उतार लिया है, और अब मैं यहाँ से जो कटिंग्स हैं इनको निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं टोपियरी की तैयारी करूँगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारे के सारे कटिंग्स अच्छे से निकाल लिए हैं। यहाँ पे टोटल 5 कटिंग्स मुझे मिल चुकी है। अब चलिए टोपियरी बनाते हैं। तो टोपियरी बनाने के लिए जो पॉट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये सेरामिक का। एक्चुअली टोपियरी में आप जब भी कोई पॉट यूज़ करें तो वो शैलो होना चाहिए, मतलब उसकी जो डेप्थ है वो कम होनी चाहिए। लेंथ डजंट मैटर, बट डेप्थ कम होना चाहिए। तो मेरा ये वाला सेरामिक का पॉट बिल्कुल परफेक्ट है। और ये रहा पॉटिंग मिक्स, बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैंने गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ थोड़ा सा सैंड बेस पे ऐड किया हुआ है। तो पॉटिंग सॉइल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे भरूंगी अपने इस प्लांटर में। तो देखिए, मैंने पॉटिंग मिक्स भर लिया है, थोड़ी सी जगह खाली रखी है ऊपर की तरफ, और मैंने इसको प्री वाटरिंग कर दी है। मैं ऐसा ही करती हूँ, आप बाद में भी पानी दे सकते हैं, वाटरिंग कर सकते हैं, डजंट मैटर। और ये ले लिया है मैंने एल्यूमिनियम का मोटा सा वायर अपने टोपियरी को एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो शेप यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही सिंपल शेप है, वो है डोम शेप। डोम मतलब आर्च का जो शेप होता है, वही शेप मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। आप इतना मोटा नहीं यूज़ करना चाहते तो जो नॉर्मली मिलते हैं इससे पतले वाले, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अच्छे से शेप में इसको डाल दिया है। अब मैं अपने ये जो जेड प्लांट्स की कटिंग्स हैं इनको यहाँ पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ एक एक जेड का प्लांट लगा दिया है, और लगाने के बाद ये जो एल्यूमिनियम वायर है इसके साथ प्लांट्स को फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जिप टाई। ये जिप टाई आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल शॉप में, बहुत ही सस्ती आती है। एक पैकेट खरीद लीजिए और काफ़ी दिनों तक वो आपके इस्तेमाल में आता रहेगा। यहाँ पर मैं देखिए बढ़िया से इसको इस तरह से फिक्स कर रही हूँ ताकि जो आर्च का शेप है वो बढ़िया से उभर के आए। आप सोच सकते हैं कि अगर जिप टाई से हम इतना टाइटली इसको लगा देंगे तो ये प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा। कोई बात नहीं, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गई तो मैं इस जिप टाई को काट के निकाल सकती हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन फ़िलहाल ये शेप में रहे, खूबसूरत रहे, एक गार्डन में बढ़िया सा शोपीस के जैसा दिखे, तो उसके लिए मैं जिप टाई से इसको यहाँ पे फर्मली अटैच कर रही हूँ इस एल्यूमिनियम वायर के साथ।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो मेन ब्रांच है उसको तो अच्छे से अटैच कर लिया है, लेकिन जो ब्रांचेस निकली हुई हैं उन्हें मैं इस धागे की मदद से एक ही लाइन में क्लोज कर दूंगी। मतलब ऐसा दिखे कोई ब्रांचेस नहीं निकली हुई होंगी, एक ही लाइन के जैसा होगा, तब जो ये आर्च का शेप है वो बिल्कुल परफेक्टली निकल के आएगा। सबसे पहले तो हमें नीचे एक गांठ लगानी है एंड फिर धीरे धीरे से हमें इसको रैप करते जाना है कुछ इस तरह से। ज़्यादा जोर मत दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो जो ब्रांचेस है वो कट सकती है थ्रेड की वजह से। तो धीरे धीरे आराम से इस काम को करना है। तो यहाँ पे मैंने इस वाले को अच्छे से कर लिया है। अब दूसरे प्लांट की बारी है। यहाँ पर भी मैं धीरे धीरे से काम को आगे कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरा काम आगे जा रहा है वैसे वैसे ही जो आर्च हमने बनाया है वो और भी ज़्यादा निखर के उभर के आ रहा है ना दोस्तों। आप खुद ही देख पा रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया आर्च बन के तैयार हो चुकी है जेड प्लांट की हमारे पास। तो यहाँ पे मैं फाइनल गांठ लगा रही हूँ। इसके बाद हमारी टोपियरी बिल्कुल तैयार है, लेकिन हाँ थोड़ा सूना सूना लगेगा तो इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुछ स्टोन्स कुछ इस तरह से। एक और ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे स्टोन, और दोनों को अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। और इसके ऊपर मैं बिठाऊंगी ये देखिए क्यूट से बुद्धा के छोटे छोटे स्टैचूज। ये मैंने अमेजोन से बहुत पहले ही ऑर्डर कर लिया था, चार थे एक पैकेट में, तो चारों को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और यूज़ करने के बाद इसकी जो खूबसूरती है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गार्डन में ये टोपियरी ग्रो भी होती रहेगी धीरे धीरे, और एक शो पीस के जैसा भी दिखेगा। और जो बाकी बची स्पेस है दोस्तों उसमें मैं छोटे छोटे स्टोन्स फिल कर रही हूँ ताकि जो घास फूस उगते जाते हैं ना वो ना उगे। तो ये देखिए फाइनली टोपियरी बिल्कुल तैयार है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप भी ट्राई कीजिए और अपने गार्डन में टोपियरी को ऐड कीजिए। मैंने जब तक टोपियरी बनाई नहीं थी मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही रॉकेट साइंस है, बहुत डर भी लग रहा था शुरू करने से पहले, लेकिन जब कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा भाई इतना ईजी है और खूबसूरत भी लग रहा है तो ज़रूर ट्राई करने वाली चीज़ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खूब मुस्कुराइए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।